आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक कई बार लिखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और कई बार लिखा होगा एसिड डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक में मेनली हम जो एसिड की बात की जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही एसिड में कंसीडर कर लेते हैं। एसिड लिखा है तो भी दिमाग में यही आना चाहिए। उसका डेरिवेटिव में पहला लेते हैं एसिड हैलाइड। यहाँ पे OH को हटाकर क्या लगा रखा है, हैलोजन। अगर हैलोजन है तो बोलेंगे हैलाइड, एसिड हैलाइड। यहाँ पे अगर क्लोरीन होता तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन एसिड ब्रोमाइड। देखते हैं कि कैसे बनेगा ये प्रोसेस। एसिड में से ये OH को रिमूव करके लगाना है तो रिएजन क्या होंगे, PCl5 लेंगे तो जो इसका क्लोरीन है वो आएगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा, वो चला गया, फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, हमें दिखेगा क्लोरीन। ये है उसके साइड प्रोडक्ट POCl3 एंड HCl। अगर हम उसमें PCl3 यूज़ करेंगे तब क्लोरीन की जगह पर आ जाएगा, क्लोरीन जाएगा OH को रिप्लेस कर देगा, OH की जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। क्या बन गया हमारा, एसिड क्लोराइड। एसिड वाला पार्ट था, अब ये OH नहीं है तो एसिड का मतलब तो होता है कि जो H रिलीज करे वो, पर इसमें अब H नहीं है पर एसिड से डेराइव हुआ है इसीलिए एसिड का नाम साथ साथ चलता रहेगा। एसिड क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, हैलोजन है तो X को रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन से, तो एसिड हैलाइड। इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। SOCl2 अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है यहाँ आके सब्सटीट्यूट हो गया, दो क्लोरीन था एक क्लोरीन चला गया, HCl बन के ये उड़ रहा है। साइड प्रोडक्ट बनेंगे SOCl2 एंड HCl। नोटिस करना है क्वेश्चन में जब दिया होगा SO2Cl2 है या SOCl2 है, इस केस में हम एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ले रहे हैं, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। SO2Cl2 इसका रिएक्शन अलग है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, स्पेसिफाई कर रही हूँ, ध्यान रखना है। थायोनिल क्लोराइड से क्या बनेगा हमारा, RCOCl, SO2 गैस एंड HCl गैस। इन तीनों मेथड से हमें सेम टाइप का मेन प्रोडक्ट बन रहा है, पर तीनों में से क्या प्रेफर करेंगे, रिएक्शन जब भी करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनने के बाद उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, कंटेनर में से इसको निकाल के लाना है, फिर इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे या रखेंगे वो बाद की बात है। तो ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कौन सा मेन यूज़ किया जाएगा, किसको प्रेफर करेंगे। तो प्रेफर करने का मतलब बाकी सबको हमें हटाना पड़ेगा, जो ईज़िली हट जाएंगे तो हमको ये वाला पार्ट ईज़िली मिल गया। तो यहाँ पे रीड करते हैं, थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज अदर टू प्रोडक्ट्स, इसके दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, गैसियस हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ईज़िली कंटेनर से उड़ जाएंगे, ईज़िली एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर से चले गए तो कंपाउंड क्या हो गया, सिर्फ यही बच गया तो हमें ईजली मिल गए। तो प्योरीफिकेशन का मेथड ईजी हो जाता है इन केस ऑफ SOCl2, इसीलिए हम लोग इन तीनों में से बेस्ट क्या प्रेफर करेंगे, ये वाला मेथड। ये वाला पार्ट याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड को यूज़ करेंगे विद डिस्क्राइब विद प्रॉपर रिएजेंट या प्रॉपर रिएक्शन एंड द रीज़न, तो ये वाला पार्ट अच्छे से देखना है। एसिड हैलाइड के बाद आता है अमाइड। अमाइड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, या कार्बन और N के बीच में लिंकेज होगा और वो कार्बन जुड़ा होगा O से, ये है अमाइड। एसिड का OH हटा के जोड़ दिया नाइट्रोजन से तो ये बन गया अमाइड। यहाँ भी है N, ये भी N, ये सारे लिंकेज कौन से लिंकेज हैं, ये है अमाइड लिंकेज। तीनों में क्या डिफरेंट है, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन एक साइड ही कार्बन से जुड़ा है, एक साइड कार्बन है, सेकेंड वाले में इधर भी कार्बन है, R का मतलब एल्काइल मतलब कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है। थर्ड केस में इधर भी कार्बन, इधर भी तीन जगह कार्बन, तो पहला वाला बोलेंगे 1° अमाइड, 2° अमाइड, 3° अमाइड। नाइट्रोजन एक साइड से R से जुड़ा होगा तो बोलेंगे 1° अमाइड, दो साइड से जुड़ा है 2° अमाइड, तीन साइड से जुड़ा है 3° अमाइड। अमाइड तो अमाइड है, अमाइड का लिंकेज कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन, ये होगा अमाइड लिंकेज। कैसे प्रिपेयर होगा ये, एसिड और अमोनिया। अमोनिया है, अमोनिया होता है बेसिक इन नेचर, यह एसिड, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड को जब बेस से मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट। इस सॉल्ट को बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना है जब NH3 है
तो डबल एम आएगा, अमोनिया डबल एम। सॉल्ट है ये बेस, ये एसिड, एसिड बेस मिलके बन गया सॉल्ट। सॉल्ट को जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या देखना है, कंपाउंड में छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना सकते हैं। वाटर अगर रिमूव किया तो चार में से, चार हाइड्रोजन एटम में से दो रिमूव हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन, ये रिमूव, तो क्या बचा रह जाएगा, नाइट्रोजन के पास दो, ये ऑक्सीजन चला गया तो CH3 एज इट इज़ C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन चला गया बीच का, नाइट्रोजन और H2, ये बन गया हमारा अमाइड, वाटर का मॉलिक्यूल निकल के हंस रहा है, मैं इजीली रिमूव हो गया इस पिंजरे से। हीट करने के बाद पानी के मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल्स अगर रिलीज हो पाएँ तो उसको रिमूव करेंगे। हीटिंग वाला पार्ट क्लियर करना है तो डिटेल में सारे कंपाउंड, सारे फंक्शन ग्रुप का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, उसको चेक कर लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऊपर देखा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे बनेंगे। अगर अमोनिया लिया डायरेक्ट कर देते हैं हीट करने के बाद, कार्बोजिलिक एसिड का OH और इधर का H रिमूव कर दिया तो बन गया हमारा अमाइड। ध्यान रखेंगे ये वाला जो रिमूव हो रहा है वो कार्बन से जुड़ा है एक बॉन्ड से, तो नाइट्रोजन भी एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा। इसमें भी जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एक बॉन्ड से जुड़ा था, तो नाइट्रोजन आने वाला भी एक बॉन्ड से जुड़ेगा। ये अमोनिया है, इसमें एक R ग्रुप आ गया तो अमोनिया नहीं रहेगा, अमीन रहेगा। इसमें स्पेलिंग पे ध्यान देना है, इसमें 2 M है अमोनिया में, R आ जाएगा वो बनेगा अमीन, तो यहाँ पे 1 M आएगा। इसमें इस अमीन में एक R ग्रुप जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमीन, इसमें 2 R है तो 2 डिग्री अमीन। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ध्यान रखना है। मेरे टाइम में भी एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें स्पेलिंग में था, एक ऑप्शन में था 1 M, एक में था डबल M, तो मुझे लगा था कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो मैंने आंसर जो टिक मारा और जो करेक्ट आंसर था उसमें सिर्फ 1 M का अंतर था। तो ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ, उस पर फोकस करना है। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया, अमाइड बना, सेम प्रोसेस है तीनों में, पर R के ग्रुप अलग होंगे तो उनका नाम अलग हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन पे एक ही जगह R है तो 1 डिग्री अमाइड, C डबल बॉन्ड O N है अमाइड। सिर्फ नाइट्रोजन में एल्काइल ग्रुप है तो एमीन, ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी फोकस करना है। एसिड अगर बेंजीन वाला पार्ट हो, एरोमेटिक हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम यहाँ था, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं। एसिड का जाएगा OH, इसका H बनेगा वाटर, वाटर बना के हटा देंगे, इससे कनेक्ट हो गया अमाइड। बेंजोइक एसिड से बना है इसलिए इसका नाम है बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड बेंजामाइड, ये लिंकेज को अमाइड लिंकेज। दो हमने डेरिवेटिव देख लिए हैं, अब आते हैं उस सीरीज में थर्ड, ईस्टर। ईस्टर कैसे बनता है, एसिड अल्कोहल, एसिड अल्कोहल मिलेंगे तो बनेगा ईस्टर। ईस्टर कैसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे होगा ओ फिर आर। अमाइड में यहाँ पे एन था, ईस्टर में होगा ओ, तो यह है ईस्टर, एसिड अल्कोहल मिलके बनाएंगे ईस्टर। तो मैकेनिज्म सेम वैसा ही, एसिड का रिमूव करेंगे OH, अल्कोहल का H, OH और H मिलेंगे तो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को रिमूव कर देंगे। कार्बन में ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड से अटैच था तो फाइनली में भी एक बॉन्ड से अटैच होगा। तो ईस्टर को कैसे पहचानेंगे, कार्बोनिल देखेंगे, उसके एक साइड अगर ओ है तो ईस्टर, दोनों साइड नहीं एक साइड, एक साइड में ओ आर है तो ईस्टर, अगर यहाँ पे भी होगा वो भी डाईस्टर हो जाएगा। पर और भी देखना है, ये वाला एनहाइड्राइड में क्लियर हो जाएगा। चलो, एसिड एनहाइड्राइड नाम से ही लग रहा है कि ये एसिड से बना है। एनहाइड्राइड का मतलब है कि उसमें पानी का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया है, तो पानी का मॉलिक्यूल रिमूव करने का मतलब क्या बनेगा, लेते हैं इसमें दो एसिड, ये भी लिया एक और एसिड, दोनों में से रिमूव कर दिया वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों एक जैसे हैं तो किसी से भी रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया, इसमें एक ऑक्सीजन बचा रह गया तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, सी डबल बॉन्ड इस टाइप से। एसिड से बना है इसलिए इसका नाम क्या, एसिड एनहाइड्राइड, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से। अब इसका नाम, इसका नामांकरण करते हैं, ये बना था इथेनोइक एसिड से तो ये इसका नाम भी क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर हम लेंगे इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, तो नाम भी कॉमन नेम में क्या होगा, एसिटिक
एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड को कैसे पता करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ कि अगर साइड में ओ है, ओ जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास भी अगर ओ है तो एनहाइड्राइड। ईस्टर में दोबारा से देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ है, फिर सिर्फ आर है, यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन अभी नहीं दिख रहा अटैच, तो ये होगा ईस्टर। इधर ओ के बाद दोबारा सिमेट्रिकल जैसा दिख रहा है, इधर भी ओ इधर भी ओ, तो क्या बोलेंगे इसको? एनहाइड्राइड। दो एसिड से मिलके बनेगा एनहाइड्राइड। ये भी पहले एसिड था, ये भी एसिड था। अब नाम देखते हैं, ये भी एनहाइड्राइड है तो नाम क्या होगा इसका? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ कन्फर्म एनहाइड्राइड। नाम लिखेंगे तो देखते हैं कि कौन से एसिड से बना है। दो कार्बन मतलब ईथ होगा इसका रूट, एक दो तीन प्रोप, तो इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड से मिलके बना है, तो नाम क्या लिखेंगे? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा इसका? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों अगर अलग अलग एसिड से बने हैं तो दोनों ही नाम लिखने पड़ेंगे। ऊपर क्या हुआ था? एक ही एसिड से बना था, दोनों में देखो दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो एक ही नाम से चल गया काम। जब दोनों अलग हैं तो दोनों नाम लिखेंगे। ये मैंने बताया, नेक्स्ट आपका टर्न। देखो ये सैंपल एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये कौन सा एसिड था? बेंजीन से लगेगा, बेंजोइक एसिड, एक दो तीन चार। ब्यूटेनोइक एसिड, दोनों बी बी से नाम है इनका, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोनों आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे, बेंजोइक में आ रहा है ई, यहाँ पे यू, तो बेंजोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर ये वाला पार्ट? एक दो तीन, वन टू थ्री, तीन तीन कार्बन है, एनहाइड्राइड है। तो दोनों जगह अगर सेम एसिड है, सेम है, तो एक बार ही नाम लिखने से चलेगा। चलेगा क्या? एक ही बार लिखना है इसका नाम, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। डाई प्रोपेनोइक नहीं लिखना, ये अंडरस्टूड है। एनहाइड्राइड का मतलब दो एसिड से मिलके बना होगा, प्रोपेनोइक का मतलब दोनों प्रोपेनोइक होंगे। अगर हमने बेंजोइक ब्यूटेनोइक लिखा तो मतलब एक बेंजोइक था एक ब्यूटेनोइक था। दोनों अलग हैं तो दोनों नाम लिखेंगे, एक ही है तो एक बार नाम लिखने से चलेगा। ये वाला दो कार्बन, इधर है चार कार्बन, इथेनोइक ब्यूटेनोइक। अगर इसको अगर कॉमन नेम में लिखेंगे, इसका नाम होता है एसिटिक से, इसका होता है ब्यूटेरिक, वो बी यू है ब्यूटेरिक। आईयूपीएसी नेम से करेंगे, ई है बी है, तो पहले क्या आता है? बी, तो ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर हम लोग इसका करेंगे कॉमन नेम से, तो कॉमन नेम में ए, यानी ये पहले आ जाएगा, तो अल्फाबेटिकल वाइज से लेंगे, जो पहले आ रहा है उसके हिसाब से। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कैसे इनके नेमिंग थे। नेक्स्ट क्लास में इनकी रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन नेम रिएक्शन और रिएक्टिविटी में कौन फास्ट होगा। थैंक यू।